नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। 5 मार्च दिन शुक्रवार की सुबह ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल प्रियंका अपने बच्चों के साथ ड्यूटी पर पहुंची थी। सेक्टर 24 के चौराहे पर वह एक हाथ में बच्चे को लेकर ट्रैफिक मैनेज करती दिखी। इस दौरान कुछ आने जाने वालों ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। फिर क्या था, लोग इसे ट्विटर से लेकर फेसबुक तक शेयर करने लगे और इसी शेयरिंग के दौरान एक बहस को भी जन्म मिला। बहस ये कि क्या इस तरह के किसी महिला से काम कराया जाना चाहिए था, क्या ये इस महिला के साथ अन्याय नहीं है, आखिर प्रियंका एक साथ दो काम करने को मजबूर क्यों है। महिला चाहे गृहिणी हो या पेशेवर, उसके जीवन का हर पल उसके बच्चों, परिवार और अपनों को ही समर्पित होता है। यह 45वीं बार है जब भारत समेत पूरी दुनिया वेमेंस डे मना रही है, लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल मुंह बाएं खड़ा है। आखिर साल में एक दिन वेमेंस डे मना लेने से क्या कुछ बदला भी है या सिर्फ रस्म अदायगी है। आंकड़े तो यही कहते हैं कि दुनिया भर में बदलाव जिस तेजी से होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। भारत में तो महिलाओं के हालात और भी परेशान कर देने वाले हैं। मैं बात कर रहा था एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। चंडीगढ़ का इस वीडियो में दिख रही ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल जो अपने दूधमुहे बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही है। इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग जहां फर्ज निभाने को लेकर इस महिला कांस्टेबल की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग पुलिस विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच वीडियो वायरल होने के बाद महिला कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको प्रियंका का ये रूप फर्ज को समर्पित एक मजबूत महिला का दिखाई नहीं दिया, एक ऐसी महिला जो अपने काम और बच्चे को एक साथ संभाल सकती है, बच्चे को गोद में लेकर बीच सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर सकती है। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर इंटरनेट दो हिस्सों में बट गया है। प्रियंका के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।